दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। और अब आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर और टीआरई 4.0 के नए एग्जाम को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो पहले उस अपडेट को देख लेते हैं। होगी नई बहाली प्रक्रिया, राज्य सरकार पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही नौकरी देगी। देखिए 50% आरक्षण कोटे पर ही बिहार सरकार तैयार है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण मामले पर सरकार को हरी झंडी नहीं मिली थी, अब कई विभाग में पेंडिंग रिजल्ट भी जारी हो सकेगा। अगले 4 दिनों में राज्य सरकार 50% आरक्षण पर ही फैसला लेगी, ज्यादा जानकारी देंगी। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए पुराने आरक्षण का जो प्रतिशत था उस पर ही कहा जा रहा है कि बहाली होगी और जल्दी ही बहाली प्रक्रिया शुरू भी होने वाली है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बिहार के लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने वाला है, जो बहाली को लेकर इंतजार में थे, रिजल्ट को लेकर इंतजार में थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जिस प्रकार से राज्य सरकार को झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने आए जो हाईकोर्ट का फैसला था उसे सही करार दिया और 65% जो आरक्षण है वो अब बिहार में लागू नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी नहीं दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने कहा जा रहा है कि लीगल एडवाइस लिया है और उसके बाद जो लीगली ओपिनियन लिया गया उसके आधार पर अब राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब 50% आरक्षण की सीमा के आधार पर ही बिहार में अब बहाली निकलेगी। और इसके साथ साथ जो पेंडिंग रिजल्ट है, चाहे वो टीआरएससी की हो या फिर एचएम या हेड टीचर या बाकी विभाग में जो रिजल्ट है, वह 50% आरक्षण के आधार पर ही रिजल्ट जारी किए जाएंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में लाखों की संख्या में कहा जा रहा है वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि नीतीश सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे, जिसकी अब आहट शुरू होने वाली है। और बता दें आपको 50% आरक्षण के आधार पर ही अब बिहार सरकार तैयारी में जुट गई है। 4 से 5 दिनों के अंदर बिहार सरकार पत्र जारी करेगी, जिसमें अब साफ रहेगा सभी विभागों को हरी झंडी मिलेगी, 50% आरक्षण के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाए। जी लक्ष्मी। और रजनीश, बहाली को लेकर के कब नोटिस जारी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए 4 दिनों में तो कहा जा रहा है कि जो आरक्षण प्रतिशत है उस पर फैसला लेगी सरकार। देखिए आरक्षण प्रतिशत पर जो फैसला लिया जाना था वो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो गया है कि अब सितंबर में सुनवाई होगी। और राज्य सरकार के पास बड़ी चुनौती है कि जितनी भी वैकेंसी है घोषणा हो जाने के बाद वो जारी नहीं हो सकती है, क्योंकि 65% आरक्षण जो जातीय गणना था उसमें SC ST और OBC को आरक्षण की सीमा बढ़ाकर लाभ दिया जाना था, लेकिन हाईकोर्ट में इस फैसले को एक तरह से सुना दिया था और इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहां भी राज्य सरकार को एक तरह से झटका लगा है, जिसके बाद अब बिहार में अब साफ तौर से क्लियर हो गया कि सरकार वेट एंड वॉच नहीं करेगी। अब पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है 50% उसी के आधार पर अब रिजल्ट भी जारी होगा और नई जो बहाली प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी, जिसको लेकर लीगल जो ओपिनियन है वो राज्य सरकार ने ले लिया है। और 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य सरकार यानी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पत्र जारी होगा और सभी विभाग को ये कहीं ना कहीं पत्र की कॉपी दी जाएगी कि अब पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसी आधार पर आप विज्ञापन जारी करें, यानी ये वैकेंसी निकलेगी। ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया आपको कि जो टीआरई 3.0 का रिजल्ट पेंडिंग है, ऐसे भी कुछ पिछले 2-3 दिनों से ये सूचना आई रही थी कि 8 तारीख को ये फैसला होगा, तो अब यहाँ पर आपको आज ये फैसला हो गया है ना, कल ये इस पर डिटेल आने वाला था और अब यहाँ पर आज जो है आपको डिटेल आ गया है। आप 7 तारीख का रात है, आज 7 अगस्त का, तभी आपका फाइनल हो गया है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी अब यहाँ पर जारी होगा। उससे पहले अब अगले 4-5 दिनों के अंदर जो है आप अपनी OMR शीट देख पाएंगे, बहुत जल्दी ये आ जाएगा, प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा। फिर इस मंथ के लास्ट तक यानी कि 20 से 25 अगस्त के तकरीबन आप मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और ऐसा संभव है कि अगस्त के लास्ट में ही अगले TRE की घोषणा हो जाए। और वो जो, क्योंकि TRE आपको अगस्त में होना था 24 अगस्त से, जो हुआ नहीं, तो अब ये या तो अक्टूबर तक ये ले सकते हैं ये लोग या नवंबर में ले सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात थी कि आरक्षण अब 50% पर ही चलेगा और इसी पर सारी काम होगी, इस पर अब जो है अपडेट आ गई है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला था उसके बाद से बात चल रही थी कि हाँ अब हम उस पर कार्य करेंगे, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि अलग अलग विभाग को रिजल्ट जो है पेपर पत्र लिखा जाएगा, पेंडिंग रिजल्ट जो पेंडिंग था उस वजह से, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी पिछली बार भी जो एग्जाम हुआ कितने दिन में ही, मतलब विद इन अ फ्यू डेज उन्होंने अपना OMR शीट दे दिया, रिजल्ट दे दिया, तो जारी तो कर ही सकता है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं पेंडिंग था, तो अब वो हो गई और नई बहाली प्रक्रिया जो है वो भी अब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। एक बड़ा अपडेट है TRE 3.0 के रिजल्ट को लेकर और TRE 4.0 को भी लेकर।
मैं आप सभी कैंडिडेट को कहना चाहता हूं, जो भी लोग तैयारी 4.0 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप निशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर आप लगातार तैयारी कर सकते हैं हमारे बेस्ट फैकल्टीज से। और अगर आप सिस्टमेटिक बैच में विद क्लासेस है ना, लेसन्स और एनसीईआरटी और जो पूरा थ्योरी है विद मॉक टेस्ट डीपीपी नोट्स वगैरह सब कुछ लेके तैयारी करना चाहते हैं, तो पीडब्ल्यू के ऐप पर आप नियुक्ति 4.0 नाम से नियुक्ति बीपीएससी तैयारी 4.0 नाम से जो बैचेस है उसमें तैयारी कर सकते हैं, या बीपीएससी तैयारी 3.0 प्लस 4.0 महापैक में तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैट में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड ये एक बड़ी खबर है, और आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय हिंद।